अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैं आप लोगों से लाइव भी बात कर लिया करूं ताकि आपको पता चले कि मेरा ये चैनल रियल चैनल है। और आप सब ठीक हैं? जैनब काशिफ, आप और भी जितने मेरे इसमें अमरीन हैं, सना है, जरदुल है, मानो बिल्ली है, बहुत सारे लोग हैं, और इसहाक है, मोहम्मद इसहाक, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और इतने प्यार से आप लोग मेरी वीडियोस जब भी मैं डालती हूँ देख के कमेंट करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि आप लोग मुझे इतना लाइक करते हैं और मेरी हर चीज़ को इतनी तवज्जो से सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एक खूबसूरत कलाम आप सब की समातों की नज़र मैं नज़र करूँ जाने जिगर कैसा लगेगा, मैं नज़र करूँ जाने जिगर कैसा लगेगा, रख दूँ दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। ये मेरा कलाम आपने सुना होगा, मैंने परसों इसको अपलोड किया है। प्लीज़ ज़रूर देखें, इसको पूरा देखें, वॉच टाइम मेरा पूरा करें ताकि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ लाइव बात किया करूँ। अभी भी लाइव है लेकिन उस तरह लाइव ये होगा कि आप लोग इधर मुझे देख रहे होंगे, मैं आपके बातों का, आपके सवालों का जवाब आपको दिया करूँगी। बाकी खुश रहें। अभी महफिल मिलाद करके आई हूँ, डिफेंस गई थी और बहुत अच्छा मेरा मिलाद रहा, वहाँ भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। शहराज बच्चे की शादी थी, उसकी शादी का ये इवेंट मिलाद रखा है, तो अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी का नया आगाज़ कर रहे हैं, ढेर खुशियाँ दिखाए। और बाजी दीबा जो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, आज वो नहीं थी तो बड़ा दिल को तकलीफ़ हुई। कुछ लोग ना चाहते भी ज़िंदगी से चले जाते हैं, कोई पता नहीं अगले लम्हे हमने ज़िंदा रहना है या नहीं, इसलिए अपनी आखिरत की सवारी तैयारी करें, अपनी आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा करें। मकसद क्या, आप अपनी नमाज, अपना ज़कात, अपना रोज़ा, ये चीज़ें जो है ना, इनको पाबंदी इनकी करें। हम दुनिया में आए हैं तो हम क्या साथ लेके जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं, बहुत गुनाहगार बंदे हैं। तो छोटी छोटी ये नेकियाँ हैं, अपने दामन में समेटा करें, क्या पता कौन सी नेकी अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा मकबूल हो और हमारी बख्शिश का सबब बन जाए। तो बाकी खुश रहें, पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेरों दुआएँ हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की दे और उस मुल्क की परेशानियाँ दूर करें। बहुत गुरबत हमारे मुल्क में है, यकीन करें, लोग बहुत बेरोज़गार हो गए, कारोबार ठप हो गए, बच्चों की तालीम ख़राब हो गई।